Good morning, students. Today I am going to explain the chapter Business Environment. This is one of the main chapters of our syllabus in which we are going to study about the environment in which business exists. First of all, we have to know the meaning of environment. What do you mean by environment? It is just a surrounding. Means जो हमारे आस पास है, business के आस पास है, यहाँ हमारे आस पास की बात ना करके हम बात करेंगे business की surroundings के बारे में. तो this chapter is totally based on the environment in which business is survived. अब यहाँ पर business किन circumstances में, किन forces में, किन factors के बीच में survive कर रहा है वो हम explain करेंगे. बिजनेस एनवायरनमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस एनवायरनमेंट? बिजनेस एनवायरनमेंट रिफर्स टू द फोर्सेस और फैक्टर्स व्हिच आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ बिजनेस, बट दीज फोर्सेस और फैक्टर्स इफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस. मतलब ऐसे फोर्सेस और ऐसे फैक्टर्स जो बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, और केवल बिजनेस को इफेक्ट नहीं करते, यहाँ ये भी पॉसिबल है कि वो बिजनेस या तो प्रॉफिट अर्न करने लग जाए या फिर माइंडिंग अप की सिचुएशन में भी आ जाए. तो बिजनेस एनवायरनमेंट ऐसे फोर्सेस और ऐसे फैक्टर्स इंक्लूड करता है जो बिजनेस को आउटसाइड और इनसाइड दोनों तरफ से अफेक्ट कर सकते हैं. लेकिन वी आर गोइंग टू स्टडी ओनली एक्सटर्नल फैक्टर्स. हम केवल इस चैप्टर में बिजनेस एनवायरनमेंट की जहाँ तक बात की जाएगी तो केवल एक्सटर्नल फैक्टर्स से के बारे में ही बात करेंगे. यहाँ पे जो भी फोर्सेस और फैक्टर्स की बात कर रहे हैं वो आउटसाइड द बिजनेस है. आउटसाइड द बिजनेस कौन से फैक्टर्स हो सकते हैं? कुछ पॉलिटिकल रीजंस हो सकते हैं, सोशल वैल्यूज हो सकते हैं, सोशल कॉजेज हो सकते हैं, कुछ इकोनॉमिक कॉजेज हो सकते हैं. तो यहाँ टोटल चैप्टर हमारा केवल एक्सटर्नल फैक्टर्स के बेसिस पर ही हमारा सिलेबस है. अब बात यहाँ पे की जाएगी कि बिजनेस एनवायरनमेंट हम टोटल एक्सटर्नल फोर्सेस की बात कर रहे हैं, तो वो एक्सटर्नल फोर्सेस हमारे लिए सोशल हो सकते हैं, पॉलिटिकल हो सकते हैं, इकोनॉमिकल हो सकते हैं, लीगल हो सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल हो सकते हैं. तो ये सारे चेंजेस हमारे बिजनेस को टोटली इफेक्ट करते हैं. नाउ कमिंग टू द फीचर्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट, हम सबसे पहले बात कर रहे हैं व्हाट आर द डिफरेंट फीचर्स ऑफ दिस बिजनेस एनवायरनमेंट. अब बिजनेस एनवायरनमेंट, मैंने आपको पहले भी बोला कि इस चैप्टर में केवल हम एक्सटर्नल फोर्सेस की बात कर रहे हैं. तो सबसे पहले बिजनेस एनवायरनमेंट में क्या क्या इंक्लूडेड होगा, इसका मतलब फर्स्ट फीचर होगा इट इन्वॉल्व्स ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस. मतलब जो भी बिजनेस के बाहर के फोर्सेज हैं उनको हम इसमें इंक्लूड करते हैं. नेक्स्ट फीचर इज स्पेसिफिक एंड जनरल. वी हैव टू टाइप ऑफ फोर्सेस. स्पेसिफिक मीन्स स्पेसिफिकली केवल उसी बिजनेस को जो डिसीजन हैम्पर कर सकता है, डिसीजन या फिर जो पार्टीज हैम्पर कर सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिक फोर्सेस, our examples are suppliers, investors. अब suppliers या investors की बात करेंगे तो केवल वो specifically अलग अलग business के लिए अलग अलग हो सकते हैं. तो supplier का decision, investor का decision totally affect करेगा हमारे business को. तो these are the specific forces which affect the business. Next come to the another force, that is general force. When we are talking about the general force, it is common to all. Common to all means common to all organizations. As a force is जो common सभी organizations के लिए हो सकते हैं. वो क्या हो सकते हैं हमारे? Political decisions, economical decisions. तो ये सारे जो changes या फिर कुछ technology upgradation, तो ये जो भी चीज़ें होंगी वो सभी टाइप के बिजनेस के लिए डिसीजन इम्प्लीमेंट किया जाएगा. तो इसका मतलब ये फोर्सेस हमारे जनरल है जो हर टाइप के बिजनेस को इफेक्ट करेगा. तो हमने क्या देखा,
we have two forces, specific and general. Now come to the next feature of the business environment, interrelation. Business environment जो भी changes हो रहे हैं, means environment जो हम scan कर रहे हैं, means पूरा analyze कर रहे हैं कि environment में क्या changes हो रहे हैं, अब उसका असर total हमारे business पे पड़ता है. For example, interrelation की बात की जाए तो हम आजकल western cultures को adopt ज़्यादा करते हैं. अपने कल्चर को भूल के हम वेस्टर्न कल्चर को ज़्यादा प्रेफरेंस प्रिविलेज दे रहे हैं. अब उसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ा? वी आर प्रेफरिंग मोर फास्ट फूड्स. हमें अब फास्ट फूड ज़्यादा अच्छा लगता है, पिज्ज़ा बर्गर ये सारी चीज़ें हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं. तो ये क्या था, चेंज इन बिलीव्स. इसका इम्पैक्ट क्या हुआ कि इन प्रोडक्ट का क्रेज बढ़ गया. तो इंटर रिलेशन है ये हमारे लिए. नेक्स्ट कम टू डायनेमिक. बिजनेस एनवायरनमेंट डायनेमिक होता है, कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं. तो अब हमें अपने एनवायरनमेंट स्कैनिंग के थ्रू इन चेंजेस को अडॉप्ट करने का नेचर डेवलप करना है. नेक्स्ट फीचर इज कॉम्प्लेक्स. बिजनेस एनवायरनमेंट की जहाँ तक बात की जाती है तो ये कॉम्प्लेक्स इन नेचर होता है. थोड़ा समझना मुश्किल है लेकिन टोटल एनालाइज फोरकास्ट करना किसी भी बिजनेस एनवायरनमेंट को 100% एक्यूरेसी पॉसिबल नहीं. किसी में ज़्यादा एक्यूरेट डिसीजंस आ जाते हैं, किसी में नहीं. तो ये कॉम्प्लेक्स इन नेचर है कि हम जो चीज़ें प्रिडिक्ट करने जा रहे हैं बाय स्कैनिंग द एनवायरनमेंट वो एग्जैक्ट आपके बिजनेस के लिए सही है या नहीं है. तो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स इन नेचर. नेक्स्ट कम टू द अनसर्टेनिटी. अनसर्टेन है टोटल हमारा बिजनेस एनवायरमेंट. क्या चेंजेस हो रहे हैं कुछ हमें पता मीन्स थोड़ा हम बिजनेस प्लान करके ये चीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इस टाइप की सिचुएशंस प्रिवेल होने वाली है. लेकिन होने वाली है किस लिमिट तक होगी वो तो कन्फ्यूजन है ना बच्चे. अब जैसे एग्जाम्पल के लिए GST इम्प्लीमेंट किया गया, सभी इस ड्यूटर मॉ कन्फ्यूजन में थे कि किस टाइप के गुड्स के लिए कितना टैक्स इम्पोज किया जाएगा. तो ये अनसर्टेन था ना. कुछ टाइम बाद जब तक वो स्ट्रैटेजी इम्प्लीमेंटेशन के लिए नहीं आए तब तक तो सभी अनसर्टेनिटी में ही थे कि किस गुड्स के लिए कितना टैक्स इम्पोज किया जाएगा. तो ये बिजनेस एनवायरमेंट अनसर्टेन है हमारे लिए. नेक्स्ट कम टू रिलेटिविटी. अब बिजनेस एनवायरनमेंट की जहाँ तक बात की जाती है ये डिफर करता है रीजन टू रीजन. हो सकता है कुछ रीजन में इसके लिए मतलब एक पर्टिकुलर सिचुएशन में एक रीजन का पॉपअप करने का तरीका अलग हो, दूसरे रीजन में पॉपअप करने का तरीका अलग हो. अब रीजन टू रीजन, प्लेस टू प्लेस, टेरिटरी टू टेरिटरी डिफर कर सकता है ये बिजनेस एनवायरनमेंट. These are the main features of the business environment which shows that business environment is uncertain, unpredictable and complex in nature. Business environment में ऐसी चीज़ें involve होती हैं जिसको assume करना, predict करना थोड़ा complicated है. लेकिन हम ये काम कर सकते हैं environment scanning के थ्रू कि कुछ possibilities को, कुछ predictions को हम अपने फेवर में किया जा सकता है. दीज आर द फीचर्स ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट. नाउ कमिंग टू द इम्पॉर्टेंस ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट. व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन. सही बात है, इतनी सारी कॉम्प्लेक्सिटी है, हम बोल रहे हैं कई बार अनसर्टेन हो जाती है हमारे लिए चीज़ें, तो इसके बावजूद हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि थ्रू बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैनिंग वी नो न्यू अपॉर्चुनिटीज. सही बात है, आप स्कैन करेंगे नहीं बिजनेस एनवायरनमेंट को, एनालाइज नहीं करेंगे, इंटरप्रिट नहीं करेंगे तो आपको नई पॉसिबिलिटीज कैसे पता चलेगी. तो यहाँ पर वी हैव फर्स्ट इम्पॉर्टेंस एनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज. व्हाट? टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज एंड गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज. अब यहाँ क्या कहा जा रहा है, बिजनेस एनवायरनमेंट की स्कैनिंग किसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि हमें ये चीज़ फाइंड आउट करना है कि
फर्म के लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज, आपके फर्म के लिए, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए नए नए अपॉर्चुनिटीज क्या है, ये हमें फाइंड आउट करना है। ये कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? थ्रू स्कैनिंग द बिजनेस एनवायरमेंट। अपने एनवायरमेंट को हम स्कैन करेंगे, स्कैनिंग के थ्रू सारी चीज़ों को डिस्कस किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा कि व्हाट आर द ब्राइटर एस्पेक्ट फॉर योर बिजनेस। अगर ये चीज़ स्कैन करके हम एनालाइज कर लेते हैं तो नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए, उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करें। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या थी? एग्जाम्पल मारुति उद्योग ने किया। मारुति उद्योग ने क्या किया? ये सोचा कि हमें स्मॉल कार प्रोड्यूस करके देना है, जिससे लोग, मतलब चीप एंड बेस्ट प्राइस। इसने आइडेंटिफाई किया सिचुएशन को कि लोगों को क्या चाहिए, मीन्स अपॉर्चुनिटी ग्रास्प करने की बात की गई वहाँ पर। कि उसने स्टडी किया, स्कैन किया कि ऐसी एक व्हीकल प्रोवाइड करनी चाहिए जो लो कॉस्ट भी हो प्लस फोर व्हीलर भी हो। अब ऐसे में इसने फर्स्ट डिसीजन को इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। केवल स्कैन करना है तो वो कम्प्लीट एक डिसीजन नहीं है जब तक उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती है। तो इसने फर्स्ट ऑफ ऑल मारुति उद्योग ने किया आइडेंटिफाई द अपॉर्चुनिटी। उसने अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया कि अपनी ग्रोथ के लिए नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। उसके बाद उसका नेक्स्ट स्टेप क्या था? गेटिंग फर्स्ट मूवर एडवांटेज। सबसे पहले दूसरा करें, इससे पहले हमें कर देना है। तो ये था हमारा नैनो का इंट्रोडक्शन, कि मारुति ने जब नैनो को इंट्रोड्यूस किया मार्केट में तो इसी पॉजिटिव, इसी इम्पॉर्टेंट फैक्टर का फायदा उठाया। तो हमें बिजनेस एनवायरमेंट में क्या चीज़ फर्स्ट इम्पॉर्टेंट क्या मिल रहा है? एनेबल्स द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज। पहले अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई करें और उसके बाद उस एडवांटेज, उस अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज भी आप ग्रास्प करो बाय टेकिंग फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स द अपॉर्चुनिटी। क्लियर? नाउ कम टू नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस, विच शोज दैट बिजनेस एनवायरमेंट हेल्प्स द फर्म टू आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। इसमें ये कहा जा रहा है कि इस टाइम बिजनेस एनवायरमेंट को स्कैन करके क्या होगा, क्या होने वाला है? हमें आइडेंटिफाई करना है थ्रेट्स को, कौन से रिस्क अभी आने वाले हैं हमारे बिजनेस में। जो रिस्क आ रहे हैं, जो हमारे लिए अभी वार्निंग सिग्नल की तरह आ रहा है कि इन केस ऐसी सिचुएशन अराइज हो गई तो हो सकता है हम बाइंडिंग अप की सिचुएशन में पहुंच जाए। तो थ्रू स्कैनिंग हमें क्या करना है? इस थ्रेट को, इस वार्निंग सिग्नल से खुद को बचाना है। कैसे बचाना है? उसके लिए डिफरेंट मेजर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मान लो मुझे पता चल रही है कि इंडिया मेरी कंपनी सर्वाइव कर रही है, बहुत सारी कंपनीज जो मान MNCs है वो भी इस फील्ड में एंटर करने जा रही है, इसका मतलब कंपटीशन बढ़ जाना है। कंपटीशन बढ़ेगा तो पॉसिबिलिटी है कि मेरी बिजनेस तो फ्लॉप हो सकती है वहाँ। तो मुझे, मेरा क्या इंटेंशन है कि थ्रू मार्केट स्कैनिंग मैंने क्या किया, अपने थ्रेट को आइडेंटिफाई किया। अब उसके सर्वाइव करने के लिए, अपने बिजनेस को सर्वाइव कराने के लिए मैं डिफरेंट मेजर्स लेने जा रही हूँ। तो मार्केट स्कैनिंग के थ्रू, एनवायरमेंट स्कैनिंग के थ्रू हम क्या करने जा रहे हैं? आइडेंटिफाई कर रहे हैं नए थ्रेड्स और नए रिस्क को, और कोशिश करते हैं नए मेजर्स अडॉप्ट करें ताकि हम ओवरकम करें इन थ्रेड्स और सिग्नल्स से। अब दूसरी चीज आई हमारी नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस है, हेल्प्स इन टेम्पिंग एंड असेंबलिंग रिसोर्स। बिजनेस एनवायरमेंट स्टडी करते करते हमें ये भी पता चल जाता है कि मार्केट में जो रॉ मटेरियल हम अपने प्रोडक्शन में यूज कर रहे हैं, पॉसिबिलिटी है कि उसकी स्कैर्सिटी होने वाली है। अब स्कैर्सिटी हमें पता चल गई है तो उससे पहले हमें क्या करना है? जो भी रॉ मटेरियल्स है, जो भी इनपुट्स हैं, उन सबको पहले ही असेंबल करके रख लें, क्योंकि मार्केट में वही सब सर्वाइव करेगा ना जो स्टेडी फ्लो ऑफ गुड्स और सर्विसेज को देता चला जाएगा। तो यहाँ पर हम स्कैन कर रहे हैं कि जो मटेरियल्स हमारे पास है उसकी स्कैर्सिटी होने वाली है, रॉ मटेरियल्स हैं, डिफरेंट इनपुट्स हैं। तो ऐसे केस में क्या करना है? इन रिसोर्सेज को गैदर करना है, असेंबल कर लेना है, ताकि अब हम हमें शॉर्टेज फेस ना करना पड़े और हमारा बिजनेस स्मूथली रन करता चला जाए। नेक्स्ट कम टू द फोर्थ पॉइंट, बिजनेस एनवायरमेंट ऑल्सो
help to adjust with rapid changes. अब इतना तो clear कि business environment dynamic है, daily changes होते रहते हैं. अब scanning के through हम क्या करने जा रहे हैं? इन changes को adopt करने के लिए नए reasons, नए projects, नई plannings करने जा रहे हैं. अगर इस डायनेमिक नेचर के साथ, बिजनेस के साथ हम वॉक अप नहीं कर पाएंगे तो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. तो ये स्कैनिंग, बिजनेस एनवायरनमेंट स्कैनिंग हमें हेल्प करता है रैपिड चेंजेस को इजीली अडॉप्ट करने. नेक्स्ट कम टू द अनदर इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. दिस इज असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग. प्लानिंग या तो पॉलिसी मेकिंग. अब इन दोनों चीजों में एक नई चीज क्या आ रही है? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करने से हमें हेल्प क्या मिल रही है? हमने एनवायरनमेंट को स्कैन कर लिया, नए पॉसिबिलिटीज वगैरह सब कुछ हमें पता चल गया, रिस्क भी पता चल गया, अपॉर्चुनिटीज भी पता चल गया. तो क्या ये स्कैनिंग हमें प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग में ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प नहीं करने जा रहा? हाँ बिल्कुल करने जा रहा. तो ये क्या एनवायरनमेंट, बिजनेस एनवायरनमेंट हमें क्या चीज में हेल्प कर रहा है? हेल्प्स इन या असिस्ट इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग. नाउ कम टू द लास्ट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक, दैट इज इम्प्रूवमेंट इन परफॉर्मेंस. अब इतनी सारी चीजें, इतने सारे इंपॉर्टेंट चीजें देने के बाद, सही बात है, हम स्कैन करेंगे एनवायरनमेंट को, उसी के अकॉर्डिंग प्लानिंग करेंगे, पॉलिसीज बनाएंगे, विच लीड्स टू इम्प्रूवमेंट इन आवर परफॉर्मेंस. हमारी परफॉर्मेंस इम्प्रूव कर जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा वर्क हम एफिशिएंसी के साथ करके देंगे मार्केट में. अब ये सारे हमने पॉइंट्स जो स्टडी किए वो रिलेटेड विद इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट था. इन सब चीज़ों से ओवरऑल एसेंस ऑफ दिस टॉपिक इज क्या? यही कि हमें बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करना है. स्कैनिंग के थ्रू हम फर्स्ट मूवर एडवांटेज की तरफ बढ़ेंगे. फर्स्ट मूवर एडवांटेज के साथ साथ जो भी अर्ली थ्रेड्स ऑफ सिग्नल्स हैं उसको आइडेंटिफाई करेंगे. उसको आइडेंटिफाई करके अगर इन केस स्कैर्सिटी फेस कर रहे हैं, रॉ मटेरियल्स, इनपुट्स, इन सबको गैदर करेंगे. इन सबको असेंबल करने के बाद बाद क्या होंगे रैपिड चेंजेस, जो भी मार्केट में चेंजेस आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग खुद को चेंज करना है, अपनी परफॉर्मेंस को इन्हीं पॉलिसीज के थ्रू इम्प्रूव करना है. सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज डायमेंशंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट. व्हाट आर द डिफरेंट डायमेंशंस, कहाँ कहाँ से बिजनेस एनवायरनमेंट के कौन कौन से पहलू हो सकते हैं? अब डायमेंशंस की बात करें, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द बिजनेस एनवायरनमेंट इट इन्वॉल्व्स ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस. अब एक्सटर्नल फोर्सेस की बात करें तो एक्सटर्नल फोर्स में फर्स्ट हमारा आता है इकोनॉमिक. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स ऑल इकोनॉमिक. अब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की बात करेंगे तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का हमारे जितने भी इकोनॉमिक से रिलेटेड टर्म्स आए वो सभी इकोनॉमिक डिसीजंस के पार्ट्स बन जाते हैं. When we are talking about the GDP, NDP and NP, ये सारे हमारे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के एस्पेक्ट्स हैं. अब इसके साथ आपकी मॉनिटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, मॉनिटरी रिफॉर्म्स जितनी चीज़ें हैं वो इकोनॉमिक है. अब इकोनॉमिकली ये सारी चीज़ें चेंज होती है तो ज़रूर हमारे बिजनेस को इफेक्ट करती है. इसीलिए ये हमारा इम्पोर्टेंट एक डायमेंशन है बिजनेस एनवायरनमेंट का. नाउ we are talking about the second dimension, that is social. Social involves taste and preferences of the society, custom, culture, tradition. अब जो भी society की tradition, culture, ये सारी चीज़ों को involve कर रहा है, अब इनके कारण भी तो changes आते हैं market में. अब society festivals मनाती है, आप देखते हो दिवाली के समय आपके पास दिवाली cars, candles, दियाज, इन सब का market कितना hype पे आ जाता है. तो ये क्या है, जो भी सोशल चेंजेस हो रहे हैं उसका भी असर आपके बिजनेस पे पड़ रहा है. तो ये एक अनदर डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट है. थर्ड, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल डायमेंशन ऑफ द बिजनेस एनवायरनमेंट,
जो भी रूलिंग पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है, उसके डिसीजंस का इंपैक्ट जरूर हमारे बिजनेस पे पड़ता है। नेक्स्ट, लीगल एनवायरनमेंट, जो भी लॉज बने, गुड्स एंड सर्विसेज, मर्केंटाइल एक्ट, GST, ये सारे हमारे लिए लीगल टर्म्स एंड कंडीशन है जो इम्पोज किए गए हैं, जिसको सभी को फॉलो करना है। अब इन सभी लीगल एक्ट्स का क्या इफेक्ट नहीं पड़ता हमारे बिजनेस पे? ऑब्वियसली पड़ता है। तो ये हमारे लीगल डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। नाउ कम टू द लास्ट डायमेंशन ऑफ द बिजनेस एनवायरमेंट, दैट इज टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट। टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती रहती है टाइम टू टाइम। पहले आपके पास कीपैड वाले मोबाइल फोन हुआ करते थे, अब टाइम जैसे जैसे चेंज हुआ, कॉम्पिटिशन इंक्रीज किया, वी हैव स्मार्टफोन्स। तो ये क्या टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन जो हुआ, आजकल हम बात करते हैं डिजिटल, मीन्स आपको जो भी पेमेंट्स करना है वो डिजिटल मोड से करना है। कैश को ज़्यादा से ज़्यादा कम यूज करके आप इलेक्ट्रॉनिक मोड को ज़्यादा यूज करते हैं। तो ये क्या हुआ टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन। क्या इस अपग्रेडेशन के आपके बिजनेसेस पे कोई असर नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। कई बिजनेस इसके कारण फ्लॉप भी हुए, कुछ ज़्यादा हाइट पे भी चले। तो दीज ऑल फाइव आर द डिफरेंट डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट विच टोटली अफेक्ट द बिजनेस। सो वी हैव टू स्टडी एंड एनालाइज टाइम टू टाइम। तो ये डायमेंशन हमारे बिजनेस के बहुत इंपॉर्टेंट हैं। बिजनेस के लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि विदाउट स्टडिंग है, इसको हम जब तक स्कैन या स्टडी नहीं करते हैं तब तक हमारा बिजनेस मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकता। सो एट लास्ट आई कंक्लूड विद द डेफिनेशन ऑफ द बिजनेस एनवायरमेंट दैट इट इन्वॉल्व्स ऑल फोर्सेज एंड फैक्टर्स विच आउटसाइडली अफेक्ट द बिजनेस। दैट्स ऑल फॉर द टुडे। वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। ओके, बाय स्टूडेंट्स।